जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गुड जॉब्स में। आपके लिए छोटा सा नई नौकरी का वीडियो लाया हूँ। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है गुड जॉब्स 007, ये भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सारी अपडेट्स इस चैनल पर उपलब्ध टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाती है। आज का हमारा फॉर्म है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, जूनियर इंजीनियर इंजीनियर असिस्टेंट स्टोर असिस्टेंट 2022। ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड हाल हैज़ पब्लिश नोटिफिकेशन फॉर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट स्टोर असिस्टेंट एंड अदर वैकेंसीज। दोस्त का डिटेल हुआ इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स एंड कम्प्लीटेड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। इसमें जो टोटल पोस्ट एज और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें टोटल पोस्ट है 390 पोस्ट है, 390 पोस्ट टोटल। पहला है करके देख लेते हैं अच्छे से, बीसी नंबर डिसिप्लिन पोजीशन असेंशियल क्वालिफिकेशन वैकेंसीज और कितनी वैकेंसीज है, अपर एज लिमिट इन ईयर्स, मिनिमम एज मिनिमम एक्सपीरियंस इन ईयर्स लिखा है। पहला है अमोनिया डिसिप्लिन अमोनिया में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सेकंड, फुल टाइम बीएससी केमिस्ट्री विथ 40% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डिप्लोमा। जिसने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया उसको प्रेफरेंस मिलेगा इसमें। इसका तो टोटल पोस्ट है 30 पोस्ट है, एज लिमिट अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स 30 साल है, मिनिमम एक्सपीरियंस जो मांगा है 5 साल। दूसरा है अमोनिया के लिए इंजीनियर असिस्टेंट फर्स्ट फुल टाइम बीएससी केमिस्ट्री विथ 40% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 40% मार्क्स, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डिप्लोमा। इसका जो वैकेंसी है 45 है टोटल, 45 वैकेंसीज है, अपर एज लिमिट है 35 साल, मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा है 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें बी डिप्लोमा को प्रेफरेंस मिलेगा बीएससी केमिस्ट्री के ऊपर। तीसरा है यूरिया डिसिप्लिन यूरिया में जूनियर असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट थर्ड फुल टाइम बीएससी केमिस्ट्री विथ 40% मार्क्स इन एग्रीगल्ट 3 ईयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगल्ट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डिप्लोमा। इसमें भी डिप्लोमा को ऊपर रखा गया है बीएससी के केमिस्ट्री के से। इसमें टोटल पोस्ट है 15, अपर एज लिमिट है 30 साल और मिनिमम एक्सपीरियंस बोला 5 साल का। चौथा पोस्ट है इंजीनियर असिस्टेंट फर्स्ट फुल टाइम बीएससी केमिस्ट्री विथ 40% मार्क्स इन एग्रीगल्ट एंड 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगल्ट, प्रेफरेंस गिवन टू डिप्लोमा। टोटल जो पोस्ट इसमें 30 है, एज अपर एज लिमिट 35 साल है, मिनिमम एक्सपीरियंस जो मांगा है 10 साल का। फिर दूसरा पांचवा पोस्ट है ऑफसाइड एंड यूटिलिटीज के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट थर्ड, इसमें भी फुल टाइम बीएससी केमिस्ट्री मांगा है 40% मार्क्स इन एग्रीगेट बोला है, 3 साल का जो 40% निकलेगा उसमें आप रहना है और 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 40% मार्क्स, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डिप्लोमा। डिप्लोमा को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा बीएससी केमिस्ट्री के ऊपर। इसमें टोटल वैकेंसी है 15, अपर एज लिमिट 30 और मिनिमम एक्सपीरियंस है 5 साल का। ऑफसाइड यूटिलिटीज इंजीनियर असिस्टेंट फर्स्ट सेम फुल टाइम बीएससी एंड फुल टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग
केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला, दोनों में से कोई एक डिप्लोमा बोला। इसका जो टोटल पोस्ट है 30 ईयर्स, नहीं 30 वैकेंसीज है, अपर एज लिमिट 35 है, मिनिमम एक्सपीरियंस बोला 10 साल का। थर्ड है यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग, 7th यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, थर्ड फुल टाइम केमिस्ट्री विथ 40% मार्क्स, 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रिफरेंस विल बी गिवन टू डिप्लोमा, डिप्लोमा को प्रिफरेंस मिलेगा। इसमें जो पोस्ट है 15, अपर एज लिमिट है 30, मिनिमम एज जो एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का। 8वां पोस्ट है यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग डिसिप्लिन बोला, असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट का फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट है, फुल टाइम केमिस्ट्री जो सेम केमिस्ट्री में बोला, डिप्लोमा को प्रेफरेंस दिया गया। 15 पोस्ट है, अपर एज लिमिट है 35, मिनिमम एज है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम एक्सपीरियंस बोला 10 साल का। नवा पोस्ट है मैकेनिकल का, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 2-3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। 33 पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट जो बोला अपर एज लिमिट 30 ईयर्स से मैक्सिमम मिनिमम जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मंगा 5 साल। 10th पोस्ट है मैकेनिकल, डिसिप्लिन मैकेनिकल में इंजीनियर असिस्टेंट वो फर्स्ट, 3 साल का मैकेनिकल डिप्लोमा बोला 40% मार्क्स साथ। जो सीट है 36 पोजिशंस है, 35 ईयर अपर एज लिमिट है और 10 साल का एक्सपीरियंस बोला। 11th है इलेक्ट्रिकल में, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियर असिस्टेंट 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। पोस्ट टोटल पोस्ट है इसमें 18, एज है 35, एक्सपीरियंस है 10 साल का। 12वां पोस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 2-3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन। इसमें जो वैकेंसी 24 है, एज अपर एज लिमिट 30 साल और एक्सपीरियंस है 5 साल का। 13th पोस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन है, असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट फर्स्ट, 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में 24 पोस्ट है, 35 का अपर एज लिमिट है और 10 साल का एक्सपीरियंस बोला है। 14th पोस्ट है स्टोर डिसिप्लिन में, जूनियर स्टोर असिस्टेंट 2, फुल टाइम BA BSc BCom फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीकल्चर। वैकेंसी है 3, अपर एज लिमिट 30, मिनिमम एक्सपीरियंस बोला 5 साल का। स्टोर असिस्टेंट फर्स्ट, फुल टाइम BA BSc BCom फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वैकेंसी है 6, अपर एज लिमिट है 35 साल, मिनिमम एक्सपीरियंस है 10 साल का। स्टोर असिस्टेंट 2, फुल टाइम BA BSc BCom, वैकेंसीज 3 है, अपर एज लिमिट 40, मिनिमम एक्सपीरियंस जो 15 साल का बोला है। एनवायरमेंट 17th जो पोस्ट है डिसिप्लिन में, एनवायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, जूनियर लैब असिस्टेंट 2, फुल टाइम BSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 40% इन मार्क। वैकेंसी जो 18 है, अपर एज लिमिट 30, मिनिमम एक्सपीरियंस है 5 साल। पोस्ट 18, एनवायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल लैब असिस्टेंट फर्स्ट, फुल टाइम BSc इन केमिस्ट्री, जिसका जो पोस्ट 18, अपर एज लिमिट 35, मिनिमम एक्सपीरियंस है 10 साल का। एक्सपीरियंस का अंतर और एज का अंतर आ रहा है उसके हिसाब से, फर्स्ट सेकंड के हिसाब से। 19th क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन, जूनियर क्वालिटी असिस्टेंट 2, फुल टाइम BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विथ 40% मार्क्स इन एग्रीगेट और 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग
from a recognized institute or university with minimum 40% in aggregate. इसमें टोटल पोस्ट छः, अपर एज लिमिट है 30, मिनिमम एक्सपीरियंस है 5 साल का। 20th पोस्ट है क्वालिटी एंड एश्योरेंस इंस्पेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस फर्स्ट, सेम क्वालिफिकेशन, फुल टाइम बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विथ 40% मार्क्स और फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वैकेंसी से छः, अपर एज लिमिट है 35 और एक्सपीरियंस मांगा 10 साल का। हाँ जी, सैलरी देख लेते हैं। इसका सैलरी जो है ग्रेड्स सीटीसी पर एनम, मिनिमम एक्सपीरियंस जो 5 साल का रहेगा उनको 4.1 लाख का पैकेज मिलेगा और मिनिमम एक्सपीरियंस जिसका 10 साल का रहेगा उसको 4.9 लाख पर एनम का पैकेज मिलेगा। मिनिमम एक्सपीरियंस जो 15 साल का है उनके लिए 5.8 लाख का पैकेज है सैलरी के हिसाब से। ये पैकेजेस है पर एनम के हिसाब से। इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, जो स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन का 14/5/2022 से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, यानी 14 मई 2022 से। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन का 24 मई 2022। लास्ट डेट डेट ऑफ CBT एग्ज़ाम जो रहेगा 5/6/2022, यानी 5 जून को एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट लिंक्स देख लेते हैं, https://hurl.com ऑफिशियल वेबसाइट इसका https://hurl.net.in है। अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है https://hurl.online/application/form.org/hurl-index.jsp है, इसका ऑनलाइन लिंक है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। लिंक इंपॉर्टेंट लिंक्स का जो इंपॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके अपने सभी साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमें इस मोटिवेशन मिलता है जिससे हमें इस प्रकार की और वीडियो बनाने का मदद मिलती है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।